दुनिया में बड़े बड़े बादशाह जिनकी शुजात और बहादुरी के किस्से मशहूर थे, लेकिन उनकी कब्रों के मकामात पर जाना तो दूर की बात, उनका नाम भी अब लोगों को मालूम नहीं। तो औलिया अल्लाह में ऐसी क्या खास बात है कि इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद अब तक लोगों के दिलों में उनकी याद ताजा है? जो दामन मुस्तफा से लिपटा, जो महबूब के कदमों से लगा, जो यहाँ झुका, कायनात उसके आगे झुकी, यानी अकीदतमंद हो गई उसकी। और जो अकड़ा, जिसने शैतान की पैरवी की, तो उसका नामो निशान मिट गया। जैसा कि अभी सवाल में जिक्र किया गया कि बड़े बड़े बादशाह आए, लेकिन आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं, बल्कि इनकी खबरें भी बाज़ों का मैंने खुद देखी हैं, कुछ है नहीं। अगर लोग देखते भी हैं इन बड़े लीडरों को, इसको उसको, तो खाली वो तारीखी मकाम की हैसियत से देखते हैं, दिल में कोई अकीदत, मोहब्बत या इसाले सवाब का वो जज्बा नहीं होता। औलियाउल्लाह के मुकाबले में बड़े से बड़ा बादशाह कुछ भी नहीं है। यानी देखिए ना, औलियाए किराम को बादशाह भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। औलिया के दरबारों में बादशाहों की हाजिरियां होती हैं, बादशाहों के दरबारों में औलिया किराम की हाजिरियां कितनी, और जो गए भी तो वो निकी की दावत देने के लिए गए, अपने मफाद के लिए नहीं गए। लेकिन ये औलियाउल्लाह की शान है कि ये बादशाहों के दरबारों से इनको रग़बत नहीं होती, बादशाहों से कुछ लेने पर इनको कोई हिर्स नहीं होती, बल्कि बादशाह इनके कदमों में लौटते हैं। आज इनके मज़ारों पर भी सदर, वज़ीर आदम, इस तरह के लोग जाते हैं। जो दाता दरबार है तो बड़े बड़े हाजिर होते हैं वहाँ। हालांकि दाता साहब को कितना अरसा हो गया पर्दा फरमाए, लेकिन आज भी इनकी हुकूमत ऐसी है कोई सदर या वज़ीर आजम पानी नहीं पिला सकता, ये अपने ज़ायरीन को उर्स में दूध पिलाते हैं। दाता हुजूर के यहाँ दूध की सबीलें लगती हैं, है कोई लगाने वाला दूध की सबील? पानी की सबील तो लगा ले गई। तो ये बस ये औलियाउल्लाह की शान है, अल्लाह हमें इनके कदमों से लगा रहने की सआदत बख्शे।